बीजेपी ने 19-20-21 मई को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ बैठक रखी है। बीजेपी की 3 दिवसीय पदाधिकारियों की यह बैठक होटल लीला पैलेस में होगी। आपको बता दें कि 19 मई की दोपहर 2 बजे तक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच जाएंगे और वो शाम को 6 बजे पार्टी के महासचिव के साथ एक बैठक करेंगे, जिसके बाद 20 मई को जेपी नड्डा राज्यों के संगठन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जबकि 21 मई को राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों संगठन मंत्रियों के साथ एक संयुक्त सत्र होगा। इस बैठक के दौरान 3 राज्यों में होने वाले चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जबकि 2 राज्य और हैं जिनमें कांग्रेस समर्थन तो दे रही है लेकिन सत्ता दूसरी पार्टी के हाथ में है। वे 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड है। जहां महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, तो वहीं झारखंड में JMM के हेमंत सोरेन CM की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।